तो किसी ने स्टिकर छोड़ा। आजकल की लुगाई क्या कर रही है, सेटिंग हो गया फुल पावर में रेडी, नहा धो के एकदम, और हमारा खाना पीना सब बन गया है। 9:10 है और अभी देखो ये खाना खा रहे हैं। नहीं है क्या, 10 मिनट जाएंगे भैया खाना तो निपटा ले। इतना लेट सो के उठते हैं कि खाना भी नहीं खा पाते टाइम से, पता नहीं कब जाएंगे कब खाना खाएंगे। बस रात को क्या है कि हिंदी लेट आती है, बस रात बारिश में पड़ गई तो रात को बारिश में भाग के आए, बारिश पड़ गई तब बाद में पता चल रहा है ऊपर का चादर भीग गया नीचे का रह गया था। तो फटाफट खाना खाते हैं भाई लोग और निकलते हैं, कि हमारे पास भी 10 मिनट है, देखो घड़ी नहीं है लेकिन आदत पड़ गई। तो अभी भाई लोग हम आ चुके हैं CNG फ्यूलिंग स्टेशन पे और यहाँ पे लाइनअप पे गाड़ियाँ लगी हैं, लेकिन एक चीज का मेरे को अभी ध्यान आया जो मैं आपको दिखाने वाले, देखिए मेरे से जलने वाले मेरे कंपनी में कितने सारे लोग हैं। देखिए जी यहाँ पे लग रहा था स्टिकर, ये देखिए स्टिकर का, और यहाँ पे लग रहा था सिम थम्बल, तो किसी ने स्टिकर छुड़ा दिया और मुझे पता है लेकिन हम क्यों यार क्यों करें, छुड़ा दिया तो छुड़ा दिया। तो ये रही रिंकू भाई साहब की गाड़ी और ये कह रहे हैं कि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, और अपनी गाड़ी पे तो लग ही रहा है। देखो इस पे भी किसी ने हाथ मारा है बहुत बुरी तरह के। क्या कहना चाहते हैं, किसने स्टिकर छुड़ाया है ये तो मालूम ना, पर पता कर एक बार एग्जैक्ट पता रहेगी तभी तो हम किसी को कुछ कह पाएंगे। एंड ये लगी सामने ताऊ की लाडली, लाडली पे भी लग रहा है अपना स्टिकर। ऐसे ऐसे लोग हैं 2-4-10 जिनको गांड में बहुत चुल है, लेकिन कोई नहीं इस धमकी और उससे नहीं मिटाएंगे, अपनी कामयाबी से उनकी चुल मिटाएंगे। देखो भाई लोग अभी फुल करा के चले और देखिए एक खुटी कम आ गई, इसका मतलब जो है प्रेशर बहुत ही कम था। और आज का वेदर चेक करो भाई लोग, क्या ही मौसम है, बहुत ही बेहतरीन और तगड़ा। आज का ब्लॉग बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, तो बने रहना है इसी के साथ। इसकी बिल्कुल मत करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, कोई भी हेल्प नहीं कर रहा, कम से कम आप हमारी एक गरीब आदमी की मदद करो यार। तो भाई लोग आज का मैं लोड मिल गया है और प्रॉपर तरीके से लोड करवा के बिल वगैरह हमारा कुछ परफेक्ट तरीके से करवा लिया हमने डन, और निकल चुके हैं दिल्ली के लिए हर रोज की तरह। आज भाई लोग हमारी गाड़ी में 2 जगह की डिलीवरी है तो पास पास में देना है। तो पहली डिलीवरी हमारी जो होगी वो मायापुरी में होगी, एंड सेकेंड हमारा होएगा जो वो होगा शादीपुर में। हर रोज की तरह कुछ और नया ही दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो कर दो यार, क्योंकि कोई तुम्हारे भाई की हेल्प नहीं कर रहा है। चलो ले थोड़ा सिनेमैटिक का एंजॉय, मजे लो। भाई लोग MCD टोल वगैरह वेरीफाई करवा के हम पहुंच गए यमुना पुल पे। यमुना माता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, माता रानी आशीर्वाद देना ताकि हम और भी बेहतर कर पाए अपनी जनता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। एंड अभी निकल चुके हैं जी पुल पे, आके तो ऐसा मजा आता है ना। और भाई लोग आज वेदर इतना मस्त है कि क्या ही बतावे, फीलिंग इज ब्यूटीफुल, नजारा है। और यहां से हमारा लाइनअप शुरू होता है तो इसी के साथ हो जाए एक शायरी। तो भाई लोग अभी थोड़ी सी आजादी मिली है और आजादी में हम क्यों ना छतरी मार लें, तो बिल्कुल मारेंगे जी, क्यों नहीं मारेंगे। तो हमारी यही थी कि भाई एक शायरी कहनी थी, है ना, कि आज खुदा ने फिर पूछा तेरा हंसता चेहरा उदास क्यों है, कि तेरी आंखों में प्यास क्यों है, जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है वही तुम्हारे लिए खास क्यों है भाई। आई ना बहुत मजे, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो, सब कर दो। तो आप लोगों से भाई लोग बात करते करते हम पहुंच गए एकदम साउथ एक्सटेंशन। मैंने देखा हाँ भाई कहाँ पहुंच गए, तो एक्सटेंशन में पहुंच गए और यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा देखने को जाम, यहाँ पे हमें लेफ्ट ही लेफ्ट चलना होगा। तो यहाँ पे भाई लोग यहीं पे बहुत ज्यादा डर लगता है क्योंकि सामने में देख रहे होंगे आप वापस खड़े हैं, पर क्या करें दिक्कत है, पब्लिक सर्वेंट है भाई, रोड का भी ख्याल रखना, गाड़ियों का भी ख्याल रखना, हमारा भी ख्याल रखना। अगर नहीं रहेंगे तो इतनी फसलबाजी रहेगी ना, आप चल नहीं पाओगे। हमेशा से मैं आपको कहता हूँ दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, कभी भी बस वाले के पीछे नहीं चलना चाहिए। अभी हम चल रहे हैं सिर्फ आपको बताने के लिए, बस काफी ज्यादा गैप है क्योंकि खड़ी ब्रेक मार देते हैं, आप जाके चिपक जाओगे, वो अपनी गलती मानने के नहीं आप फंस जाओगे। हाय हाय क्या रोड मिल गई भाई, मलाई मक्खन मतलब जो कह लो वही कम है इस रोड के लिए, इस रोड की तारीफ के लिए। तो भाई
भाई लोग अभी जो है हम एक जगह डिलीवरी एकदम प्रॉपर बढ़िया तरीके से दे आए हैं और दूसरी जगह की बारी है। टाइम भी 2 बज गए हैं और मौसम इतना प्यारा कि बारिश होने वाली है। आनंद लेंगे बारिश में, होने दे देते पहले शुरू हो जाए मेरे मालिक। चलो भैया चलो, हरी होगी बत्ती। चलो कलयुग की दुनिया है साहब, कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ता निभाता है। कि कलयुग की दुनिया है साहब, कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ता निभाता है, कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। सो ये रही हमारी प्यारी सी शायरी और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। और थोड़ी दूर जाना है जी, तो भाई लोग अपनी तो होगी जी डिलीवरी और बहुत ही धमाकेदार की बारिश शुरू हो चुकी है। फिलहाल में तो हल्के हल्के बरस रहे हैं एंड अगर क्रिया जारी रही तो जोर से भी बरसेंगे जी। तो चलो निकलते हैं इधर से। भाई लोग अब लगने वाला है बहुत ही तगड़ा जाम, क्योंकि हम पहुंच गए VVMMC सफदरजंग हॉस्पिटल। तो जैसे कि देख पा रहे हैं बल्दी 0 ग्रेविटी के हिसाब से चल रहे हैं। सबसे ज्यादा जाम जो है यहीं पे लगता है। देखिए एक लाइन अप में बस लगी, अभी हम पुल से उतर रहे हैं, हमें भी उसी लाइन में जाना है, तो समझ लो कि कितना कठिन हुआ। ट्रैफिक से जूझते जूझते ना हम पहुंच गए हैं महारानी बाग यानी कि आश्रम पे, और यहाँ से बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एक गाड़ी के पीछे लिखा था यार सभी ड्राइवरों के काम में आएगा, मेरे जो भी ड्राइवर भाई हैं सबके ये मतलब अगर अपने लाइफ में लागू करें इस चीज को तो बहुत ही काम आएगा। ये बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन है, तो सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा कि गाड़ी का कहना है रानी बनाकर रखोगे, कि रानी बनाकर रखोगे तो राजा बना दूंगी, दारू पीकर चलाओगे तो मिट्टी में मिला दूंगी। तो ये रहा कुछ सीन, तो बिल्कुल दारू पी के नहीं चलाएंगे महारानी रानी माता जी, हम आपको प्यार और इज्जत मान मर्यादा के साथ चलाएंगे। तो चलो, तो जो भी बन रही थी ना भाई लोग इसमें बन रही थी वीडियो अपनी, और काफी बेहतरीन स्टेबिलाईजेशन हो गया इसमें। एंड यहाँ पे बहुत ही भयंकर कलेश मचा हुआ है, बहुत ही बुरा जाम जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। बस थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, थोड़ी थोड़ी बढ़ा रहे हैं। ओ हो, कितनी प्यारी लग रही है गाइस, भाई लोग कितनी प्यारी लाइट लग रही है ब्लू ब्लू कलर के। और हम आ गए यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे पे, यहाँ भी भाई अगर घुमा दिया, अगर नहीं रोका घुमा दिया तो दिक्कत है। अरे यार क्या कर रहा है भाई, हद हो गई यार, तो ऐसे ऐसे लोग हैं क्या करें, सभी झेलना है, रोड पे चलना है तो बच के चलना ही पड़ेगा जी। तो आगे जी बहुत ही प्यार और नम्रता विनम्रता के साथ अपने, और ये देखिए ये सबसे बड़ा तूफान है, इस तूफान से बचना चाहिए और नहीं बचे तो कहानी खत्म है। तो चलो जी मिलते हैं आपको नेक्स्ट लोड करवा के। अभी भाई लोग मिल गया मुझे एक बहुत ही प्रीमियम लोड, जो थोड़ा थोड़ा माल छोड़ना है, थोड़ा थोड़ा माल छोड़ने में बड़ी मजा आता है। इस आफत के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं तो एकदम दबाता हुआ आ गया यार। और यहाँ पे आके पता चला कि ओ ये प्रक्रिया तो होनी ही। अभी इतने टाइम में सबकी लाइटें जल गई हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, हम अब टाइम से चलाएंगे यार। भाई लोग तबाही आ चुकी है और गैस भी खत्म हो चुका है, जा रहे हैं अभी गैस भरवाने। तो देखो ये आजकल की लुगाइयां, हां भाई बोल ले आलू। तो अभी भाई लोग गैस वैस भरवा के ले आए और देखते हैं क्या बनेगा। हाँ भाई क्या कर रही हो, सेटिंग पाइप से? ना तुमने तो कुछ कही ना, अपने आप रिकॉर्ड हो गया, क्या अच्छी बात है। हाँ भाई क्या क्या बन गया? दाल है काली दाल गोरे चावल, और क्या बन गया? चलो जी बना लो। आज भाई लोग बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा क्योंकि आपको पता ही है गैस वैस खत्म हो गई थी, और मैं आया था यार मेरे को ध्यान ही नहीं रहा सुबह, तो मुझे पता चला कि गैस खत्म हो गई है, लेकिन आने के बाद ध्यान नहीं रहा ना, यही दिक्कत आ गई। एंड अगर ध्यान देते तो हम पहले ही भरवा के ले आते। रात में भाई लोग मैं भूल गया वीडियो की एंड करना, तो सुबह हो चुकी है, तो आप सबको प्यारी से गुड मॉर्निंग। टाइम ऐसे ही 10 के समथिंग हो रहा है, बारिश आज भी बहुत ही तगड़ी हो रही है। तो करते हैं इसी के साथ वीडियो के एंड, खाते पीते मस्त, स्वस्थ रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। मिलते हैं एक प्यारे से नए ब्लॉग में, मस्ती भरी ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो आती रहेंगी, और अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।